हेलो प्यारे बच्चों एंड प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 8, ठीक है ना, और क्लास 7 साइंस का, विंड विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, ठीक है ना। चलिए, ओडिशा वाज हिट बाय ए साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 km/h आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999, ठीक है ना, 18 अक्टूबर 1999, ठीक है ना, 18 अक्टूबर 1999 में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ीसा में क्या आया था? चक्रवात आया था, ठीक है ना, चक्रवात आया था जिसमें उड़ीसा चपेट में आ गया था, ठीक है ना। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउस मेकिंग 7 लाख पीपुल होमलेस, और इससे क्या हो गया था, 45,000 घर जो बने थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, और जब ध्वस्त होते हैं तो फिर क्या हो गया, 7 लाख, ठीक है ना, 7 लाख लोग जो वहाँ पे थे वो क्या हो गए, बेघर हो गए, यानी कि बिखर गए, इधर से उधर हो गए, ठीक है ना। चलिए, ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, और उसी साल 29 अक्टूबर को उसी साल, ठीक है ना, ए सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 216 60 km/h हिट ओडिशा अगेन, और फिर उसी साल 29 अक्टूबर, ठीक है ना, उसी साल क्या कह रहा है, 29 अक्टूबर को फिर क्या है, सेकेंड चक्रवात आया, ठीक है ना, और वो किस साल से था, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से था, ठीक है ना। फिर ओडिशा क्या हो गया, फिर ओडिशा में आया था, इट वॉज ओकम्पेन्ड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई, और उसमें क्या था, पानी की लहरें जो थी, वो जो मतलब पानी की लहरें थी वो क्या थी, 9 मीटर ऊंची आई थी, ठीक है ना, जो पानी की लहरें थी वो 9 मीटर ऊंचे आई थी। 1000 ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और हजारों लोग से ज़्यादा अपनी जीवन को खो दिए, यानी कि वो चले गए। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड, और जो प्रॉपर्टी थी वो करोड़ ऑफ मतलब कि करोड़ों में क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अच्छा, साइक्लोन से क्या हुआ, क्या क्या प्रभावित हुआ, पहला आपका हो गया एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी, ठीक है ना, कृषि आपका नष्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट यानी कि जो वाहन होते हैं, ठीक है ना, गाड़ी घोड़ा सब, मोटर कार वगैरह, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, दूर संचार, बातचीत, ये सब भी पूरा बंद हो गया, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब पानी आ गया 9 मीटर, जब ऊंचा आ गया, लहरें आ गई, तो फिर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, वो भी क्या हो गया, सप्लाई उसका बंद ही, तो जाहिर सी बात है कि वो बंद ही हो गया, ठीक है ना। विंड करेंट आर जनरेटेड ड्यू टू अन इवन हीटिंग ऑन द अर्थ। देखिए, पृथ्वी पर, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर असमान ताप के कारण, पृथ्वी पर असमान ताप के कारण क्या जनरेट होता है, विंड करेंट जनरेट होता है, ठीक है ना। आप चलिए देखिए, अन इवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, ठीक है ना, भूमध्य, ठीक है ना, भूमध्य रेखा और पोल यानी ध्रुव के बीच क्या है, असमानता, ठीक है ना, भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच क्या है, असमान ताप। आइए उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। यू माइट हैव लर्न्ड इन जियोग्राफी, आप जियोग्राफी यानी भूगोल में आपने आप पढ़े होंगे, दैट रेन क्लोज टू इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। अच्छा, दैट की रेन क्लोज टू इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सीन सन, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है ना, जब ज़्यादा ये प्रकाश रहेगा, सूर्य जब रहेगा, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा हीट होगा, ये इनका रहा है। देखिए, इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट, जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, उस तरफ क्या होता है, सूर्य की मतलब की रोशनी वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, यानी कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, और जब गर्मी ज़्यादा रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा, द एयर इन राइजेज रेन गेट वार्म, और फिर वहाँ की जो हवा होगी वहाँ पे क्या होगा, वो गर्म, उस क्षेत्र से गर्म ही प्राप्त होगी, ठीक है ना।
वार्म एयर राइजेज, और जो जो हवा है वो क्या होगा, वो वार्म उठता है, ठीक है, राइजेज माने उठना, ठीक है ना। द वार्म एयर राइजेज, जो हवा है वो गर्म उठती है, एंड और द कूलर एयर फ्रॉम द रेंज इन द 0 से 0 to 30 डिग्री लेटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। अच्छा देखिए, जो इक्वेटर है, ठीक है ना, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, क्या है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो ये लेटीट्यूड है, ठीक है ना, 0 से लेकर 30 डिग्री लेटीट्यूड, मतलब कि जो अक्षांश बेल्ट का है, ठीक है ना, अक्षांश बेल्ट से क्या आता है ये, किसके दोनों तरफ, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ अक्षांश, मतलब कि 0 से 30 डिग्री, ठीक है ना, अक्षांश से, ये अक्षांश बेल्ट से क्या आती है, ठंडी हवा आती है, कहाँ आती है उसमें, ठीक है ना, भूमध्य रेखा में क्या आती है, ठंडी हवा आती है, ठंडी हवा, ये हवा कहाँ से आती है, अक्षांश बेल्ट से, और कितना, 0 से 30 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो गया, दिस विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड द इक्वेटर, और यही क्या है, यही हवा क्या है, ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, देखिए उत्तर और उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होता है, उत्तर और उत्तर से, देखिए दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड द इक्वेटर, और यही जो हवा है नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण भूमध्य रेखा की तरफ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए एट द पोल, ठीक है ना, ये ध्रुव पर द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लेटीट्यूड अबाउट 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा लेटीट्यूड अबाउट 60 डिग्री, अच्छा ये कहाँ की बात कर रहा है कि एट द पोल यानी कि ध्रुव पर, ये अक्षांश की अपेक्षा, ध्रुव पर अक्षांश की अपेक्षा जो ठंडी है वो 60 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है ना, जो वहाँ पे ठंडी का है, मतलब मौसम है, तो जो ठंड जगह है वो क्या है, वो वहाँ पे 60 डिग्री ज़्यादा रहता है उस, मतलब कि ध्रुव पर, ठीक है ना। अब देखिए द वार्म एयर एट दी लेटीट्यूड राइजेज अप, ठीक है ना, जो गर्म हवा है वो दिस लेटीट्यूड से वो क्या होता है, मतलब अक्षांश से वो क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है ना। द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रेन रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस, जैसे ही जो अक्षांश से जब जब गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है ना, जो अक्षांश हो गया, लेटीट्यूड हो गया आपका, ठीक है, वो जब गर्म हवा वहाँ से जब ये उठती है, तब ये जो ध्रुव है ये क्या काम करता है, वहाँ की जो ठंडी हवा है उसका वो प्लेस लेना चाहती है, ठीक है ना। चलिए इन दिस वे, इस प्रकार से विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल टू वार्मर लेटीट्यूड एज सोन, अच्छा ठीक है, विंड इन दिस वे, इस प्रकार से, ठीक है, विंड सर्कुलेशन सेट अप फ्रॉम द पोल टू वार्मर लेटीट्यूड, यानी कि जो विंड सर्कुलेशन है, यानी कि पवन का जो सर्कुलेशन है, प्रसंस्करण है, वो कहाँ से होता है, सेटअप पोल टू वार्मर लेटीट्यूड, यानी कि वो ध्रुव से अक्षांश की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब देखिए जो विंड है वो कहाँ से कहाँ, मतलब कि बहता होगा, उत्तर से दक्षिण, मतलब की दिशा की तरफ, मतलब की बहती होगी, या फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, या तो मतलब कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, ए चेंज इन डायरेक्शन इज हाउ एवर कास्ट बाई द रोटेशन ऑफ अर्थ। अच्छा, और ये जो इसे प्रक्रिया होती रहती है, जो डायरेक्शन यानी कि जो दिशा, मतलब कि चेंज होता रहता है, ये किस कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है ना, थैंक यू।